प्रस्तुत है कार्यक्रम कलश। श्रोताओं नमस्कार। कलश के इस अंक में आपका स्वागत। आज के अंक में हम आपको वेद विज्ञान आलोक के लेखक आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक से ली गई भेंट वार्ता का पहला भाग सुनवा रहे हैं। भेंट करता है इंद्रजीत बागल। हम सभी इस अनंत ब्रह्मांड का एक एक छोटा सा हिस्सा है। यह ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ, यह न केवल वैज्ञानिकों का अपितु प्रत्येक सर्वसामान्य व्यक्ति का भी कुतूहल और जिज्ञासा का विषय है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से इस विषय पर कई अलग अलग सिद्धांत और मत वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। उनमें से बिग बैंग थ्योरी या महाविस्तार सिद्धांत वैज्ञानिकों में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समझा जाता है। हालांकि इस सिद्धांत के विरोध में भी कुछ वैज्ञानिकों का मत है। इसी विश्व निर्मिति या ब्रह्मांड की निर्मिति के विषय में वैदिक साहित्य के अध्ययन के आधार पर वैदिक रश्मि थ्योरी या वैदिक रश्मि सिद्धांत अपनी वेद विज्ञान आलोक नामक पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले वेद साहित्य के आचार्य आचार्य श्री अग्निव्रत नैष्टिक जी आज हमारे साथ चर्चा हेतु दूरभाष के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी, पुणे आकाशवाणी में इस वार्तालाप कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, सर्वप्रथम हाँ जी, आपके न्यास और आप इस न्यास के कार्य के साथ कब से और कैसे जुड़े हैं और अपने पूर्वायुष्य के बारे में हमें कुछ बताइए। इस न्यास की स्थापना मैंने ही 1 मई 2003 को की थी, आर्य समाज मंदिर यहाँ भीनमाल जिला जालौर राजस्थान में जी। और विज्ञान मेरा पहले से प्रिय विषय था। मेरा वैज्ञानिक अनुसंधान विशेषकर सृष्टि, परमाणु, अणु और सूक्ष्म कण, तरंगे, ये सब जानने की मेरी बहुत जिज्ञासा रहती थी। मैं ये भी सुनता था कि वेदों में सब विज्ञान है जी। भगवान मनु से लेकर ऋषि दयानंद तक ऋषि मुनि कहते रहे कि वेदों में संपूर्ण विज्ञान बीज रूप में विद्यमान है। लेकिन इतना होने पर भी, और वेद का भारत में बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है, प्रचार भी होता है, लेकिन इतने पर भी भारत देश विज्ञान की दृष्टि से बहुत पीछे रह गया। और विज्ञान की पुस्तकों में कहीं वेद अथवा ऋषियों का नाम नहीं आता है। यह देखकर ऐसा लगता कि वेद विज्ञान का ग्रंथ है या ईश्वरी है या सब विज्ञान इसमें है, ये वास्तव में सत्य है या असत्य है। तो यही जानने की इच्छा से मैंने वैदिक स्वाध्याय प्रारंभ किया। ऋषि दयानंद के ग्रंथ, उनके वेद भाष्य, दर्शन, उपनिषद और महाभारत के शांति अनुशासन पर आधुनिक फिजिक्स के बहुत बड़े उच्च स्तर के ग्रंथों को भी पढ़ा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली आदि के, और यूनिवर्सिटी के भौतिकी के प्रोफेसर से मैं आधुनिक फिजिक्स के बारे में बहुत चर्चा करता रहा और ये भी देखता रहा कि आधुनिक फिजिक्स में कहाँ कहाँ ऐसी कमियां हैं, ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि ऐसा है, वेद में सब विद्या है, तो वेद से उसका समाधान होना चाहिए जी। जी तो ऐसा समाधान, अब वेद भाष्य देखा या जो भी ग्रंथ देखे उसमें ऐसा समाधान मिलता नहीं, इसलिए मैंने स्वयं ही इस विद्या को पढ़ने का प्रयास किया। और इसी क्रम में मैंने अन्य ग्रंथों के पढ़ने के पश्चात ऐत्रेय ब्राह्मण मेरे हाथ में आया जी। और ऋषि दयानंद के ग्रंथों से मैंने ये भी जाना कि सभी ब्राह्मण ग्रंथ वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं। तो वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं तो वेद का विज्ञान उनमें अवश्य होना चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए। लेकिन उनके भाष्यों को देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनमें कहीं भी विज्ञान प्रतीत नहीं होता, कर्मकांड ही दिखाई देता है, कहीं इतिहास। इतिहास भी बहुत विकृत रूप में अनेक बातें मैंने देखी। इस प्रकार का भाष्य मिले तो मैंने स्वयं इसको करने का निश्चय किया जी। बहुत समय तक मुझे ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य करने में यही लगा कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि 2021 तक मैं वेद को ईश्वरी सिद्ध नहीं कर सका और विकसित वैज्ञानिकों के सामने इसको सर्व विज्ञान में सिद्ध नहीं कर सका तो शरीर त्याग दूंगा। ये जो आपने प्रतिज्ञा ली,
तो हाँ जी, मतलब उसके लिए किस प्रसंग में वो ली आपने? प्रसंग में यह ली कि हम निरंतर बोलते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अपने प्रवचनों में ऐसा कहते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं और इसे सिद्ध नहीं कर पाते तो हमारे जीवन को धिक्कार है। या तो हम मिथ्या भाषण कर रहे होते हैं या फिर किसी की सुनी ऋषियों की बात कर रहे हैं, तो ऋषियों ने तो सिद्ध कर सकते थे, हम नहीं कर सकते, हम क्यों बोले ऐसा। जी। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो वेद पर आधारित रही है, और वैसे वेद भारत का भी नहीं है, वेद तो संपूर्ण संसार का है, ब्रह्मांड का है, ये मैंने बाद में सिद्ध किया और पाया इसको, लेकिन संपूर्ण मानव जाति का, ये तो मैं जानता ही था। तो जिस बात को मैं सिद्ध नहीं कर सकता अथवा अपने आचरण में नहीं ला सकता, उसको अपने प्रवचन में भी मैं कभी नहीं करता। तो इसी दृष्टि से मैंने सोचा कि यदि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो जीने का कोई अधिकार नहीं। अब इस प्रतिज्ञा में मुझे इस क्रम में पढ़ने में अपने आप ही पढ़ा, गुरुकुल में पहले थोड़ा पढ़ा लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद या मार्ग चुनने के बाद मैं अकेला ही था। ऐत्रेय ब्राह्मण जब आया तो उसमें आचार्य सायण के भाष्य देखे तो मुझे लगा कि इससे तो कुछ मिलेगा नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शरीर त्याग करना पड़ेगा। 2 महीने तक मैं उसको देखता रहा, पढ़ता रहा, कैसे अर्थ निकलेगा। ईश्वर की प्रेरणा से ऐसे कुछ ध्यान से, मनन से, साधना से कुछ ऐसा प्रकाश हुआ कि मैं उसके रहस्यों को खोलता गया और इसका सारा रफ भाष किया पहले। जी, तो इस अध्ययन के दौरान आपके कोई गुरु थे या आपको किसी ने शिक्षा दी हो? इस अध्ययन के समय तो कोई भी मेरा गुरु नहीं था, जी क्योंकि पहले जिन्होंने, जैसे मैं कॉलेज में भी पढ़ा लेकिन पूरा नहीं पढ़ा, किसी कारण छोड़ दिया। गुरुकुल में पढ़ा तो व्याकरण आदि वो अधूरा पढ़ा, वो भी रोग के कारण छोड़ दिया, तो वो एक अलग विषय थे। लेकिन जी ये विषय कि वेद वैज्ञानिक ग्रंथ है, इसमें मेरा गुरु नहीं था। और मैंने आर्यसमाज के कई विद्वानों से दूरभाष पर पूछा था क्या आप इसमें मेरा सहयोग कर सकते हैं, तो सबने कहा कि इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकता। फिर जी मैंने सोचा मेरा मार्गदर्शक केवल परमात्मा है और अपनी साधना के द्वारा ही मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। और ईश्वर की कृपा से लगभग 8 वर्ष में यह ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य हो गया जो वेद विज्ञान आलोक नाम से प्रकाशित हुआ। और उस भाष्य को करने के बाद मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी। मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि वेद अवैज्ञानिक है। और मैं अवश्य यह कह सकता हूं कि वर्तमान विज्ञान से वेद विज्ञान आलोक अर्थात ऐत्रेय ब्राह्मण का विज्ञान 100 वर्ष आगे का है। आप ये किस आधार पर कहते हैं कि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में आधुनिक विज्ञान से मिलता जुलता विज्ञान था? ये मेरे अनुभव से, मेरे भाष्य से मिलता जुलता नहीं कह सकता। मैं इतना कह सकता हूं कि आधुनिक विज्ञान से भी बहुत सूक्ष्म और गहराई तक पहुंचने वाला विज्ञान है, क्योंकि मैंने आधुनिक विज्ञान को भी पढ़ा है। जो बिग बैंग सिद्धांत की अभी आपने चर्चा की, जी उस सिद्धांत को मैंने 2004 में अगस्त में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज बेंगलोर में हुई थी, उसमें मैंने अनेक वैज्ञानिकों और वेदज्ञों के समक्ष मैं पहला व्यक्ति था जिसने बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज किया था जी और जी किसी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था। लेकिन अभी आप आधुनिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय विज्ञान, इसमें क्या भेद और साम्यताएं आपके दृष्टिकोण से दिखाई देती है? साम्यता तो यह है, जो स्थूल पदार्थों का निर्माण जैसे तारों का निर्माण, ग्रहों का निर्माण आदि में तो बहुत समानता है, लेकिन इससे नीचे जाएंगे अब सूक्ष्म, जैसे पार्टिकल बना, जैसे कण बने, कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मानते हैं ये क्वार्क से बने, लेकिन क्वार्क किससे बने हैं, उसके क्या घटक हैं, फोटोन के क्या घटक हैं, इलेक्ट्रॉन के क्या घटक हैं, यहाँ आकर के हमारा विज्ञान आगे चलता है और आधुनिक भौतिक विज्ञान यहाँ समाप्त हो जाता है। इनके उत्तर आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। तो सूक्ष्म पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया वैदिक विज्ञान ही समझा सकता है, आधुनिक विज्ञान नहीं। अभी तक तो स्थूल पदार्थों, आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों, उपग्रहों, इनके निर्माण की व्याख्या आधुनिक विज्ञान भी करता है और वैदिक विज्ञान भी करता है। कहीं कहीं वैदिक विज्ञान थोड़ा गहरे में जाता है। एक अंतर यह है, आधुनिक विज्ञान प्रयोगों के आधार पर चलता है, जी उनके प्रयोग के लिए जो भी उनके पास साधन होते हैं उसके आगे वो नहीं सोच सकता। उनके प्रयोगों की सीमा के आगे या गणित की सीमा के आगे किसी भी ज्ञान का विशाल सागर भी हो तो उसमें से एक बूंद भी ज्ञान नहीं ले सकता।
क्योंकि उनकी सीमा वहां तक, वह एक बाउंड्री है उसकी। लेकिन वैदिक विज्ञान ऋषियों की बाउंड्री इससे आगे थी, ऋषि इसके आगे, जिसको वो प्रयोग से नहीं समझ पाते थे, वहां वो उपासना के द्वारा, योग साधना के द्वारा मन की तरंगों को सूक्ष्म कणों में प्रविष्ट करा करके, सूक्ष्म तरंगों में प्रविष्ट करा करके और गहराई की बातें जान लिया करते थे। तो एक तो ये अंतर है। दूसरी बात है कि आधुनिक विज्ञान जैसे जैसे प्रयोग के उनके साधन विकसित होते जाएंगे, वैसे वैसे वो भी विकसित हो जाएगा, अर्थात वो बदलता रहेगा जी। लेकिन वैदिक ऋषियों का ज्ञान बदलेगा नहीं, उसमें परिवर्तन होगा तो हमारी बुद्धि के अनुसार भाष्य करने से जरूर हो सकता है। मेरा भाष्य है, मेरे से कोई उत्कृष्ट भाष्य कर सकता है, आगे आने वाला और कोई अच्छा हो तो वो और उत्कृष्ट कर सकता है, लेकिन ऋषियों का जो वास्तविक ज्ञान है वो बदलेगा नहीं। एक ही अंतर है जी। यदि आपके कहे अनुसार प्राचीन भारत में और भारतीय ग्रंथों में विज्ञान था, तो हम अरब, हाँ जी, तुर्क, अंग्रेज, पुर्तगीज जैसे आक्रांता जिन्होंने हमें लगभग 1000 साल तक गुलाम बनाए रखा, उनको हम इस विज्ञान की सहायता से क्यों नहीं रोक पाए या क्यों हटा नहीं पाए? इस विज्ञान के अवशेष भी हमें आज क्यों नहीं दिखाई देते? हाँ, यह आपका प्रश्न प्रायः लोग पूछते हैं। महाभारत काल में हमारे आर्यावर्त देश का इतना विनाश हुआ जिसकी आज कल्पना करके भी बहुत दुख होता है। महाभारत के पश्चात वेद विज्ञान का धीरे लक्ष्य हुआ, वेद का पठन पाठन केवल वेद पाठ तक सीमित रह गया, और इसी कारण से इस भारत में अनेक मत संप्रदायों का उदय हुआ, वैदिक विद्या का पतन हुआ। और पतन भी दो प्रकार का होता है, एक तो एक वेद को भूल जाना, एक यह कि वेद को गलत ढंग से समझ लेना। वेद एक औषधि है, ऋषियों के ग्रंथ औषधि हैं। किसकी औषधि है? संसार की समस्याओं की औषधि है, चाहे वो विज्ञान की समस्या हो, चाहे अध्यात्म की समस्या हो, चाहे समाज की समस्या हो, इन समस्याओं की वेद और संपूर्ण औषधि है। लेकिन औषधि गलत ले ले, एक रोगी औषधि न ले तो शायद वो बच जाएगा उपवास आदि से, लेकिन वह औषधि गलत ले ले, उल्टी ले ले, अनुपान गलत ले ले तो मर भी सकता है। हमारे देश के दुर्भाग्य से यही हुआ। जैसे ऐत्रेय का मैं देखूं तो ऐत्रेय ब्राह्मण में नरबलि का भी उल्लेख आया है, 33वें अध्याय में सुनैषेप प्रकरण है, वहां सुनैषेप आख्यान, पशु बलि का तो है ही, और बहुत सारी बातें हैं जो गलत अर्थों में ली गई। इन गलत अर्थों के कारण जो भारत संपूर्ण विश्व को ज्ञान विज्ञान दिया करता था, वही भारत पशु बलि देने वाला भी बन गया, नर बलि देने वाला भी बन गया, मांसाहार सिखाने वाला भी बन गया। तो हम अपनी विद्या को भूल गए, और उसका कर्मकांड तो अच्छी बात है लेकिन गलत कर्मकांड वो हमने अपना लिया जी। और ऐसे संप्रदाय हो गए जहां अहिंसा का गलत अर्थ समझ के हमने हथियार डाल दिए, या अपने को ब्रह्म समझ के पारिवारिक और राष्ट्रीय सामाजिक कर्तव्यों को भूल गए। धन हमारे पास बहुत था इसलिए विदेशी आए और हमें अपना दास बना लिया जी। अभी आपने बात की कि वेदों को गलत ढंग से समझा गया, तो इस बात का निर्णय कैसे निश्चित किया जाए कि कौन सा भाष्य सही है और कौन सा गलत है, या वेद ग्रंथों का सही अर्थ कैसे निकाला जाए? पहला तो वेद का वेद से अर्थ जाना जाए, वेद का वेद से न हो सके तो वेद का ब्राह्मण ग्रंथों से अर्थ जाना जाए, ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात वेद का निरुक्त से अर्थ जाना जाए, निरुक्त के पश्चात व्याकरण से अर्थ जाना जाए, और किसी से न हो तो योग साधना के द्वारा। अब वेद से वेद का कैसे? ब्राह्मण ग्रंथों में कई ऋषि नाम आया तो उन्होंने किसी ऐतिहासिक मनुष्य का नाम जान लिया और एक दो शब्द से कल्पित इतिहास गढ़ दिया, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ ही कहते हैं कि ऋषि कौन है, प्राण ही ऋषि है। तो हमने यौगिक प्रणाली को भूल गए। वेद के सभी पद यौगिक हैं और ब्राह्मण ग्रंथों के भी अधिकांश पद यौगिक हैं, और यौगिक को हमने रूढ़ अर्थ बना करके उनका भाष्य गलत कर लिया जी। तो संक्षेप में आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वेद का सही अर्थ जानना है तो आपका जो मन है वो योगमय होना चाहिए। योगमय होना चाहिए, भोजन सात्विक होना चाहिए।
योग में होगा तो सात्विक भोजन होगा जब योग में होगा, वैसे नहीं हो सकता। दूसरा यह भी है कि किसी एक ग्रंथ को लेकर के नहीं हो सकता जी। सभी ऋषियों के ग्रंथ एक मोती के समान है और वेद माला है जी। इन सबको एक साथ जोड़ के देखना चाहिए। वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ जो आपने लिखा है उस पर कृपया प्रकाश डालें। वेद विज्ञान आलोक ऐतरेय ब्राह्मण का शायद विश्व का प्रथम बार किया गया वैज्ञानिक भाष्य है जी। इसमें 2800 पृष्ठ का है ये ग्रंथ और पृष्ठ का आकार भी A4 साइज से भी बड़ा आकार है। इसमें लगभग 250-300 चित्र हैं जो अन्यत्र कहीं शायद नहीं मिलेंगे जी। इसमें आधुनिक भौतिकी की कॉस्मोलॉजी, प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रो फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, इन सब की गहन विवेचना है जी। और ऐसी विवेचना है कि अगर निष्पक्ष रहा विश्व में कोई शासन होता तो इस पर कई नोबेल पुरस्कार दे सकता था जी। जो आज एक एक परिकल्पना पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उस परिकल्पना पर सारे विश्व के वैज्ञानिक लग जाते हैं, ऐसे इस पर काम किया जाए तो वेद विज्ञान आलोक के आधार पर भी भारत सैद्धांतिक भौतिकी में विश्व का गुरु बन सकता है, सुपर पावर बन सकता है। और ये बात मैं आपसे नहीं कह रहा, मैंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के शीर्ष अधिकारियों के सामने ये बात कही है जी। तो आपने अभी क्वांटम फील्ड थ्योरी, आधुनिक विज्ञान और भौतिकी के जो संकल्पना है उसका भी उल्लेख किया, तो ये जो आधुनिक विज्ञान की या भौतिकी की जो संकल्पना है उसका अध्ययन आपने कहाँ से किया? उसका अध्ययन मैं वैसे 11वीं कक्षा से या उससे पहले से ही अपनी फिजिक्स को मैं अलग ढंग से पढ़ता था, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जी। अपने पाठ्यक्रम से बाहर सोचना, हर बात के पीछे क्यों, इस प्रश्न को करना और पूछना जी। अपने लेक्चर से उत्तर नहीं आवे तो यूनिवर्सिटी तक के, मेरा 11वीं रुड़की यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर से संबंध हुआ था पत्रों से ही जी। उस समय भी वो कहते थे कि इनका उत्तर अभी साइंस नहीं जानता जी। तो BSc प्रथम वर्ष में ही मैं छोड़ करके राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग में आ गया, लेकिन विज्ञान फिजिक्स पढ़ने की मेरी प्रवृत्ति नहीं गई। इसलिए मैंने फिजिक्स के अनेक देश के और विदेश के वैज्ञानिकों के ग्रंथों को पढ़ा, विशेषकर इन्हीं सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताया आपको, इन्हीं सब्जेक्ट में पढ़ा और इन्हीं के संबंध में प्रश्न करने के लिए मैं भाभा और टाटा वगैरह इन संस्थाओं में जाता रहा, वर्षों गया 2004 से जी। तो मुझे लगा कि इनमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान ये आगामी 50 सालों में शायद ही कर पाए। और जो प्रश्न मैंने 1980 में कभी रुड़की यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट को पूछे थे वो आज भी अनुत्तर रहते हैं विज्ञान में, और उसका उत्तर वेद विज्ञान आलोक मैंने ही स्वयं ही दिया है। तो मैंने फिजिक्स की पुस्तकों को उस स्तर पर पढ़ा है जहां अपनी व्यवस्था दर्शाते हैं वैज्ञानिक, और मेरा वैज्ञानिकों से ये कहना रहा है कि अगर आप लोग अपनी समस्याएं बताएं तो हम अपने वैदिक विज्ञान के द्वारा उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे जी। और आप और हम मिलकर के दोनों ही इस फिजिक्स को ऐसी बनाएं जो पूर्ण हो। वैसे पूर्ण तो परमात्मा होता है जी, लेकिन भौतिकी से बहुत आगे ले जाएं जी, जिससे भारत जगतगुरु भी बनेगा, वेद की विश्व में प्रतिष्ठा भी होगी और उन वैज्ञानिकों का समय बचेगा और हमारे वेद पाठियों संस्कृत के विद्वानों का मान सम्मान संसार में बढ़ेगा जी। तो आपने जो वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से जो वैदिक रश्मि थ्योरी या वैदिक रश्मि सिद्धांत प्रस्तुत किया है तो उस विषय में कृपया विस्तार से बताएं। वैदिक रश्मि थ्योरी ये कहती है, वैसे नाम तो मैंने दिया वैदिक रश्मि सिद्धांत और इस नाम का कहीं कोई ग्रंथ मिलता भी नहीं है, लेकिन मूलतः तो वो ऋषियों की थ्योरी है जो सांकेतिक भाषा में लिखी गई ब्राह्मण ग्रंथों में उपनिषदों में, उन्हें हम समझ नहीं पाए, ये दोष हमारा था। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, जैसे वेद मंत्र है ना, जो संहिता में मंत्र आते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं चारों संहिताओं में नहीं है लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में, आश्वलन स्तोत्र सूत्र आदि ग्रंथों में भी हैं वो मंत्र जी। तो वो मंत्र एक प्रकार से वे कंपन है, वे ध्वनि तरंगे हैं जो इस ब्रह्मांड में पैदा होती हैं जी। और उन कंपनों से, उन वाइब्रेशन से ब्रह्मांड बनता भी है। जैसे बिग बैंग थ्योरी तो मानती है विस्फोट हुआ, हम इसका उल्टा कहते, सब कुछ शांत था, सब कुछ आयतन में भरा हुआ था, उसमें जो सबसे पहला स्पंदन हुआ,
सबसे पहली जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो ध्वनि ऊर्जा ही थी। वो कौन सी थी? परारूप में वैदिक छंद उत्पन्न हुए, जिसमें पहला वैदिक छंद था ओम। ये ध्वनि उस प्रकृति अवस्था में जिसको महर्षि कपिल ने अव्यक्त बताया, सत्व रजस तम साम्य अवस्था, प्रकृति प्रकृति सत्व रजस्तम की साम्य अवस्था कहा है, जिसको भगवान मनु ने अव्यक्त कहा है, प्रसुप्त कहा है, जिसको महर्षि ब्रह्मा और भगवान शिव ने महाभारत में 30 नामों से पुकारा है, उसका सार अव्यक्त है। उसमें सबसे पहले कोई ध्वनि हुई तो परा ओम या ध्वनि हुई, उससे उसमें विचलन हो करके, उसमें विकृति आ करके वही प्रकृति मय तत्व में परिवर्तित हो जाती है। फिर अहंकार और मन, मनस तत्व जब बन जाए, समष्टि मन की बात कर रहा हूं, यह मनस तत्व आधुनिक विज्ञान के किसी पदार्थ से मिल नहीं खाता, न यह ऊर्जा है न आकाश है। महर्षि कणाद का द्रव्य है लेकिन आधुनिक विज्ञान का द्रव्य नहीं है मन। उसमें पश्यंती ओम रश्मि उत्पन्न होती और उसके बाद व्याहरती रश्मियां, फिर छोटी छोटी वैदिक छंद, फिर बड़े वैदिक छंद। इस प्रकार से संपूर्ण पदार्थ वाइब्रेट होने लगता है, कंपित होने लगता है और उस कंपन से फिर आकाश भी बना है, जिसको वर्तमान भाषा में स्पेस कह सकते हैं। एक आकाश खाली स्थान, एक आकाश पंच महाभूत वाला, कण भी पैदा होते हैं, तरंगें भी पैदा होती हैं और धीरे धीरे संपूर्ण ब्रह्मांड उन वाइब्रेशन से बना है। और आज वे वाइब्रेशन सब जगह हैं, परा और पश्यंती अवस्था में, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी उन्हें ग्रहण नहीं कर सकती। ये वैदिक रश्मि सिद्धांत है जी। अभी जो वैज्ञानिक ज्यादातर मानते हैं, वो जो महाविस्तार सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, उसके प्रमाण हेतु कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या फिर अंतरिक्ष का फैलाव और हबल का नियम, मतलब एक्सपांशन ऑफ स्पेस, बिग बैंग मॉडल ने जो गैलेक्सी और क्वेजर्स बनने का जो अनुपात लगाया था, वो भी अभी निरीक्षणात्मक परिणामों से लगभग उसी हिसाब से है ऐसा देखने में आया है। तो उस पर जो विश्व का निरीक्षण है वो भी खरा उतरा है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग और स्टेलर इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार प्राचीनतम तारों की जो आयु निर्धारित की है वो भी बिग बैंग मॉडल से मेल खाती है। तो फिर बिग बैंग मॉडल के पक्ष में ये कुछ सपोर्टिव एविडेंस है, तो फिर उसको नकारने का आपका क्या तर्क है? पहली बात तो यह है कि बिग बैंग थ्योरी आधुनिक वैज्ञानिकों में दो प्रकार की चल रही है। एक तो यह है कि जीरो वॉल्यूम में विस्फोट हुआ, और दूसरी स्टीवन वीरमर की थी, वो जीरो वॉल्यूम से शुरू नहीं करते थे, उन्होंने कभी जीरो टाइम से शुरू किया ही नहीं, जीरो वॉल्यूम जीरो टाइम यहाँ से उनके शुरू नहीं हुआ। वो कहते हैं कि सब जगह पदार्थ भरा था और पार्टिकल्स भी बन गए थे, उनके परस्पर टकराना यही बिग बैंग है। तो पहले तो इन्हीं में आपस में समानता नहीं। दूसरी बात, एडविन हवल ने जो रेड शिफ्ट देखी तो रेड शिफ्ट से उन्होंने अनुमान लगाया कि सभी गैलेक्सियां दूर भाग रही। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट और मैथमेटिक्स तीनों बिग बैंग थ्योरी के पास भी हैं, बिग बैंग थ्योरिस्ट के पास भी हैं, तीनों इटरनल यूनिवर्स मानने वालों के पास भी हैं, जिसमें भारत में सबसे अग्रणी आवास डॉक्टर आवास मित्रा जी, जो भाभा में एस्ट्रोफिजिक्स सेक्शन हेड थे, और स्टीडी स्टेट थ्योरी भी थी। तीनों के अपने अपने तर्क हैं, अपना अपना मैथ है, अपने अपने ऑब्जर्वेशन है, लेकिन तीनों एक दूसरे काटते हैं। तो इसका कारण क्या है कि ऑब्जर्वेशन हो अथवा एक्सपेरिमेंट हो अथवा मैथमेटिक्स हो, इन तीनों के साथ जब तक एक लॉजिक और ऊहा ये दो नहीं होंगे, निरुक्त में ऊहा को ब्रह्म कहा है और तर्क को ऋषि कहा है, इन दोनों के अभाव में शास्त्र का कितना ही बड़ा विद्वान हो, व्याकरण आदि का, लेकिन अगर ये दो चीजें नहीं है, सुतर्क और ऊहा, तो शास्त्र को ठीक ढंग से नहीं समझ सकता। ऐसा हुआ भी है, ऐसे ही वैज्ञानिक भी ऑब्जर्वेशन कर लेगा लेकिन उसके परिणाम गलत निकाल लेगा, वो परिणाम हवल ने भी गलत निकाला जी। अगर हाँ, आपके कहे अनुसार हबल जी का जो भी परिणाम था वो गलत था, तो जो परिणाम गलत था ऑब्जर्वेशन से था जी जी, तो जो गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, तो फिर आपके जो वैदिक रश्मि थ्योरी है उसके अनुसार उसका कारण क्या है? हाँ, पहले तो दूर दूर जा रही है, निष्कर्ष भी गलत है। कहीं से आने वाले प्रकाश में कमी आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसलिए रेड शिफ्ट देखा जा रहा है, ये बात सही है।
पहली बात तो हम जो बैठे यहाँ तो हमारी पृथ्वी भी लगातार चक्कर लगा रही है सूर्य का, जी और सूर्य लगातार गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, जी तो हमारी गैलेक्सी भी किसी अन्य महाकेंद्र बड़े विशाल लोक के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जी तो ऐसी सारी गैलेक्सी भी चक्कर लगा रही है, जी सारे सौरमंडल भी घूम रहे हैं, जी तो हमारी पृथ्वी भी उनके साथ घूम रही है, तो कभी भी समान दूरी तो रह ही नहीं सकती है जी जब सभी कुछ घूम रहे हैं। दूसरी बात, किसी भी गैलेक्सी के केंद्र के चारों जो सबसे पहला तारा जहां से शुरू होता है उसका ऑर्बिट, उसके बीच के क्षेत्र को हमारी वैदिक भाषा में द्यव कहते हैं। उसमें 17 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ये वैज्ञानिकों को संभवतः जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी होगी, लेकिन मैंने वेद विज्ञान आलोक में 17 क्षेत्र बताए हैं कि किस क्षेत्र में क्या क्या है। और ऐसा ही क्षेत्र सूर्य किसी भी तारे और उसके बाद जो सबसे पहला ग्रह प्रारंभ होता है उसकी परिक्रमण पथ जो होता है उसके बीच में भी ऐसी लेयर्स होती हैं। तो कोई भी कहीं से प्रकाश आता है उन लेयर में से गुजरता है, तब भी उसमें विचलन होगा, और प्रकाश कितने प्रकार की ग्रेविटी के फील्ड से भी गुजरता है उससे भी उसमें विचलन होगा जी। और दूसरी बात, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी छंद रश्मियां, प्राण रश्मियां और बहुत सारे पार्टिकल्स आदि भी है, उनसे भी टकराने पे उनमें भी विचलन होगा जी। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर ये माने कि एक जगह से चला, जैसा कि अधिकांश बिग बैंग थ्योरिस्ट मानते हैं जीरो वाला, तो जीरो का अर्थ अधिकांश लोग बोलते हैं जीरो का शून्य नहीं है, वो एक मतलब छोटा साइज था, ऐसा नहीं है। स्टीफन हॉकिंग साफ लिखते हैं कि जीरो रेडियस, तो जीरो वॉल्यूम में मेरा 2004 में जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज में पेपर था सृष्टि का मूल उपादान कारण, उसमें मैंने यही बताया कि जीरो वॉल्यूम में इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट टेम्परेचर ये सब नहीं रह सकते, जीरो वॉल्यूम में जीरो मास ही रहेगा। और मेरे साथ ही आवास मित्रा जी का उस समय एक पेपर प्रकाशित हुआ था ब्लैक होल पर, तो उसमें उनके पेपर का सार ये था कि कोई भी ब्लैक होल इतना कोलैप्स नहीं हो सकता कि उसका वॉल्यूम जीरो हो जाए, अगर ऐसा होता है तो उसका मास भी जीरो होगा, यही मैं कह रहा हूं। अभी आपने वेद विज्ञान आलोक के लेखक आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक से ली गई भेंट वार्ता का पहला भाग सुना। भेंट करता थे इंद्रजीत बागल। दूसरा भाग 29 दिसंबर को हम आपको सुनवाएंगे। इसी के साथ कलश का यह अंक समाप्त। नमस्कार।